अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुहेला। आप देख रहे हैं सुहेला की रसोई। आज हम बनाएंगे बच्चों और बड़ों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर, या फिर ये कहें एनर्जी पाउडर। ये हमने कुछ सामान ले लिया है। 500 ग्राम खिले चने, भुना चना, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम चारों मगज़, 100 ग्राम अखरोट और 100 ग्राम ही तिल ले लिए हमने। ये है जौ का सत्तू, एक बाउल ले लिया, 250 ग्राम और सफ़ेद तिल 100 ग्राम, 50 ग्राम छोटी इलायची। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट बढ़ा या घटा सकते हैं। ये खिले चने हैं, वैसे तो ये रोस्टेड चना है, पर इसको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, बरसात की वजह से थोड़ा नमी में हो जाती है रखी हुई चीज़ें। आजकल के बच्चे ये चीज़ें नहीं खाते, और अगर हम इस तरीके से पाउडर बना के रात में दूध में डाल कर देते हैं तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। ये पढ़ने वाले, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर है एक तरीके से। ये हमारे बड़े बुज़ुर्ग पहले ये चीज़ें खाते थे, और देसी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। और आजकल के जो बाज़ारी पाउडर होते हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते, केमिकल्स होते हैं, एडिड फूड कलर और बेकार होते हैं सब, ज़्यादा अच्छा नहीं होते। इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, चने ड्राई रोस्ट हो गए, काजू बादाम भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सेम फ्लेम पे करेंगे हम, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, और क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। कलर चेंज नहीं करना हमें इनका। और एक ही बाउल में हमें निकाल लेने हैं तिल और ये चारों मगज़, एक साथ ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इनको चटकने तक, फूलने तक हम ड्राई रोस्ट करेंगे, वो भी सेम फ्लेम पे। इस तरीके से फूलने शुरू हो जाएंगे जब ये रोस्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिए। अखरोट और छोटी इलायची भी हम साथ में ड्राई रोस्ट कर लेंगे, इससे ये होगा छोटी इलायची थोड़ा वो हो जाएगी ड्राई, और एकदम स्मूथ पाउडर बनेगा, इसका रेशा नहीं बनता। अगर हम ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे तो इसमें रेशे बन जाएंगे, पाउडर नहीं बनेगा। अब हमने सब एक जगह कर लिया है। वैसे जौ का सत्तू है ये रोस्टेड आता है, पर इसको भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है रोस्टेड जौ का सत्तू, पर जैसे कि बरसात है तो मौसम में नमी है, रखी हुई चीज़ों में नमी आ जाती है, इसलिए थोड़ा सा इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। एक से डेढ़ महीना आराम से चल जाता है ये पाउडर। और जिन जो बच्चे थके थके रहते हैं, कमज़ोरी महसूस करते हैं, उनको ज़रूर दें ये बनाकर, और बड़े भी ले सकते हैं इसको, लेडीज़ जेंट्स सब ले सकते हैं इस पाउडर को। इसको हम ड्राई रोस्ट करके ठंडा कर लिया और पाउडर बना लेंगे हम। इसमें मीठा या चीनी नहीं मिलाएंगे, और पाउडर में नहीं मिक्स करके रखेंगे। जब हम दूध गर्म करेंगे तब उसमें कच्ची जो धागे वाली मिश्री आती है उसका पाउडर बना कर रख लें अलग से, और उसमें मिक्स कर लें। इसमें मिक्स नहीं करना, उससे पानी ये घुल जाएगा, जैसे बरसात का मौसम है नमी हो जाएगी। और शक्कर या धागे वाली मिश्री का ही यूज़ करें इसको मीठा करने के लिए, चीनी का यूज़ ना करें, हेल्दी रहेगा वो। या फिर गुड़ का पाउडर ले सकते हैं। पाउडर हमारा तैयार हो चुका, और इसको एयर टाइट जार में भर के रखेंगे, और रात में बच्चों को एक चम्मच, ये एक टीस्पून, और बड़ों को दो टीस्पून दे सकते हैं नीम गर्म दूध में। रेसिपी पसंद आए तो दुआ में याद रखना। अल्लाह।